नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिद है और हम दोनों वैन में रहते हैं और आज हम आपको अपना प्यारा सा घर दिखाते हैं। चलो तो ये हमारा बहुत सुंदर सा फ्रंट डोर है, थोड़ा सा लाउड है और जब बंद करना होता है इसको बहुत जोर से धक्का मारना पड़ता है। तो चलो अंदर का दिखाते हैं पहले। हर घर की तरह हम अपने जूते उतारते हैं, अगर कैंप ग्राउंड में होते हैं तो बाहर उतारते हैं, पर जैसे अभी पार्किंग लॉट में है तो अंदर उतारेंगे ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो अंदर उतारते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो अंदर घुसते के साथ ये हमारा फ्लोरिंग है, ये लेमिनेट है, और ताकि गंद ज्यादा उड़े ना हमने ये $5 का केमार्ट का रग खरीदा है। जो भी गंद होता है मतलब बीच जाते हैं, सैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, मिट्टी? No, मिट्टी is soil. How do you say sand? You say sand. The sand from the beach, ताकि वो घर के अंदर ज्यादा ना उड़े, सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर हर रोज हम इसको उठा के बस यू बाहर झाड़ देते हैं। और क्योंकि हमारा घर इतना छोटा सा है इसको साफ करने में सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। बाद में मैं आपको हमारा डस्टबिन दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये एक बहुत गंदा सा बस जाली बैरियर है। Come closer. You can see here, ये सारा रस्टेड है और ज्यादा सुंदर नहीं लगता। तो हमने क्या करा, हम हार्डवेयर स्टोर जाके, यहाँ पे बनिंग्स दुकान है एक, बस ये सारा सुंदर सा ग्रीन दीवार बना ली। और साइकोलॉजिकली जब आपके घर में ग्रीन होता है वो ठंडक भी लाता है। और फिर शायद आपको दिखेगा नहीं पर हमने ये छोटी सी छोटी कॉपर वायर की LED लाइट्स लगा रखी है। और फिर रात को जब हम सो रहे होते हैं या पिक्चर देख रहे हैं हम इनको चलाते हैं और बिल्कुल लाइक यू नो द फैंटेसी सिनेमा नाइट की तरह लगता है। ये हमारा थर्मामीटर है। तो हमने ये वैन बना बनाया 70% खरीदा था। इसमें सिर्फ बिस्तर था, ये छोटा सा बॉक्स था जो हम अभी दिखाएंगे प्रॉपरली, पर हमने सिड ने ये सिंक बनाया। तो ये सिंक डालने से क्या होता है, ये एरिया थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है और बड़ा लगता है। तो मैं ऊपर से शुरू करती हूँ। ये हमारा बोर्ड है और जो चीज़ें हम सुबह सुबह यूज़ करते हैं हम इन में रखते हैं, मतलब टूथब्रश, शैम्पू। और ये बॉक्सेस मेरे सबसे फेवरेट है। सिंक के पीछे इतना सा गैप बचा हुआ था तो हमने ये कंटेनर्स खरीदे, इनको कोई स्क्रू करने की जरूरत नहीं थी, ये बस सीधा ऐसे फिट हो जाते हैं। They're honestly the best. और ये हमारा सिंक है। तो ये सिंक एक्चुअली एक मिक्सिंग बोल है, हमें एक छोटा सा सिंक दुकान से नहीं मिल रहा था तो सिड ने जाके केमार्ट से मिक्सिंग बोल खरीदा, इसके नीचे एक होल ड्रिल करा। और ये हमारा हैंड पंप सिंक है और मैं अपना कॉपर कप और बैम्बू ब्रश यहीं पर ही रखती हूँ। और हाँ, ये हमारा पावर बोर्ड है तो हमारे वैन में पावर भी आता है, वो सिड दिखाएगा। ऊपर छत पे सोलर पैनल्स है तो सोलर पैनल्स हमारे फ्रिज को चार्ज करता है। हम फ्रिज को इस कर्टन के पीछे छुपा के रखते हैं क्योंकि हमारा फ्रिज उतना सुंदर नहीं है, लाइक ऐसे इट लुक्स बेटर दिस वे। और आप सब पूछ रहे थे कि हमारे फ्रिज पे लॉक क्यों है। जब हम वैन को चलाते हैं, जैसे अगर कॉर्नर पे टर्न करा, ये दरवाजा खुल जाएगा और हमारा सारा खाना बाहर बिखर जाएगा। तो इस छोटे से लॉक के कारण हमारा फ्रिज फिर खुलता नहीं। और इस साइड को हमारा सारा ड्रेनेज का सिस्टम है। तो हमारे पास दो टैंक है, ये वाला हमारा ग्रे वाटर टैंक है और ये पीछे हमारा क्लीन वाटर टैंक है। और हम इसको हफ्ते में एक बार खाली करते हैं और इसलिए ये बड़ा सारा कर्टन है ताकि सब कुछ छुप जाए और कुछ ना दिखे। और ढेर सारे लोग जनरली जब वैन होता है उनके पास वो स्टोरेज ऊपर रखते हैं। हमारी वैन की हाइट ज्यादा नहीं है और हमारे पास उतना ज्यादा जगह नहीं है तो हमारा स्टोरेज इस बेड के नीचे है। तो बेड यू क्लिक करता है दो जगह और फिर जब हम बंद करते हैं पुश और नीचे आ जाता है। इस वीडियो से पहले अगर हम कोई भी हमारे वैन में आएगा उनको कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये नीचे है भी। तो यहाँ पे सिड के कपड़े, तो यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, सिड के कपड़े, और यहाँ पे हम जो भी रैंडम सामान है वो रखते हैं। तो स्पाइडर, तो हमारे वैन में बहुत सारा वाइल्ड लाइफ भी आता है। और हाँ, मैंने ये पिलो जब मैं 8th grade में थी मैंने तब बनाया था। देखो कितने फ्रिल्स है, मैंने बहुत प्यार से बनाया था। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड जॉब।
more bug. तो हमने ये बिस्तर इंस्टॉल नहीं करा था. हमारे पहले एक लड़का था, उसने वैन बनाया था. तो जब उसने वैन की और बेड की हाइट करी थी, आई थिंक उसने थोड़ा सा मिस मेजर करा था. जैसे कहते हैं measure three times, cut once. I don't think he measured. तो बेड में एक ड्रॉप है, तो मैं थोड़ा सा, मैं पूरी तरह से सीधा नहीं बैठ सकती. जैसे अगर यहाँ पे आती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप बस थोड़ा सा यू बैठो, ठीक है. पर इसमें नींद बहुत अच्छी आती है. और आपको शायद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, पर हमने ये हुक इंस्टॉल करा. इट मेक्स आवर लाइफ सो मच इजीयर ऑन अ डेली बेसिस. हम चाबी नहीं घूम करते, चाबी हमारी हमेशा इधर जाती है. ये हमारी रेसिपी बुक है. हम दोनों एक रेसिपी कुक बुक बना रहे हैं, तो सारी रेसिपीज प्रैक्टिस वाली इसमें है. तो ये हम बहुत ध्यान से इधर रखते हैं. वैसे तो इस शेल्फ का कोई और यूज नहीं होता, क्योंकि जब हम वैन चलाते हैं सब कुछ बाहर निकल जाता है. और अगर आप सोचे हो कि इस वैन में एयर कंडीशनिंग कौन सी है, फैन कहाँ पे है, ये हमारा एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है. छोटा सा है, प्यारा सा है, ज्यादा लाउड भी नहीं होता रात को. और ये हमारा स्टोरेज है साइड का. ये हमारा पीछे का कर्टन है. जब रात हो जाती है हम ये पीछे डालते हैं, ताकि कोई हमारे वैन के अंदर देख ना सके. विक्स थोड़ा है, बोरो प्लस. और ये हमारा LED लाइट स्विच का लाइट है. और क्योंकि ये वैन छोटा सा वैन है, हमारा गोल था कि हम सफेद जितना भी यूज कर सकते उतना ही यूज करेंगे. मतलब हमारी छत सफेद है, ब्लैंकेट सफेद है, और हमने दुकान जाके ये सफेद सी वॉलपेपर भी खरीदी. छोटे से ब्रिक्स है इस पे. इधर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आ गया है, पर कोई बात नहीं, वैन है, पुरानी है, उतना तो ठीक है. तो हमने इस पे थोड़ा सा टेप चिपका दिया. पर ये वॉलपेपर ऑनेस्टली हैज ब्रॉट द बिगेस्ट चेंज टू दिस वैन. पर हमारे हिसाब से सफेद, जब छोटी सी जगह होती है, सफेद इज द बेस्ट. और चलो सीर अब आपको आगे का दिखाएगा. तो आगे जाने के लिए हमारे पास एक्सेस है यहाँ से. तो चलो, ये ड्राइविंग का कैबिन है. यहाँ ज्यादातर मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो ये मेरा एरिया है. hey, मैं नेविगेटिंग करती हूँ. हाँ, वो भी ठीक है. और अच्छे अच्छे गाने कौन बजाता है? हाँ, वैसे ही मेरी डीजे वाली बाबू है, तो गाना बजाती है. मैं ड्राइविंग करता हूँ. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. तो ये हमारे कर्टन है, ताकि जब हम पार्क कर रहे हैं और सो रहे हैं, ताकि कोई अंदर देख ना सके. और थोड़ी इंसुलेशन हीट से भी मिलती है. यहाँ बंद कर दिया और ये खोल दिया. अब चलो यहाँ दिखाते हैं. और हमने इनको इंस्टॉल कैसे करा? यहाँ बस एक रॉड लगा दिया है, इस पे कर्टन सिला दिया है. वेरी सिंपल. और इधर बस छोटे से स्क्रूज लगाए, तो हम कभी इनको धो नहीं सकते. तो ये है हमारा छोटा सा कॉकपिट, स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल. बहुत पुरानी वैन है लेकिन चलती है. तो ये वैन है एक मर्सिडीज MB100D वैन, 2000 मॉडल है. सो इट्स 23 इयर्स ओल्ड, काफी पुरानी है, डीजल वैन है. सस्ती मिली, हमारे पास पैसे कम थे, सो हमने खरीद ली. और ये अब हमारा छोटा सा घर है. और ये है हमारे चार्जिंग केबल्स, ताकि हम ड्राइविंग करते वक्त हमारे फोन चार्ज कर सकते हैं. काफी सिंपल सेटअप है, पर हमारे लिए वर्क होता है. और ये है मेरा एरिया, यहाँ पे मैं नेविगेशन करती हूँ और बहुत सारे अच्छे गाने बजाते हैं. ये हमारा कपड़े ड्राइंग का एरिया भी होता है. हम टॉवल्स को यहाँ पे डालते हैं और स्विमिंग कॉस्ट्यूम यहाँ पे डालते हैं. और यहाँ पे थोड़े सी इमरजेंसी सामान रखते हैं, पॉन्चो और स्नेक बाइट किट. हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ पे सांप बहुत होते हैं, जस्ट इन केस. और यहाँ पे मैं कभी कभार अपना लैपटॉप भी डालती हूँ. और हाँ, मैं तो दिखाना ही भूल गई, दुनिया के सबसे छोटे कप होल्डर. मुझे नहीं पता किसने डिजाइन करा था ये, पर इस कप होल्डर में कुछ भी नहीं फिट होता. पर उसको छोड़ो, चलो किचन दिखाते हैं. जैसे आप सबको पता है, हमारा किचन हमारे बिस्तर के नीचे रहता है. हमारे बिस्तर के नीचे ढेर सारा स्टोरेज है. लाइक इट वुडंट मेक सेंस टू हैव आवर बेड डाउन हियर, और फिर ये ऊपर का सारा एरिया वेस्ट होता है. तो बिस्तर को रेज करने से हमारे पास ढेर सारा स्टोरेज मिलता है. तो हर चीज के तरह हमारे किचन पे भी लॉक है, क्योंकि नहीं तो जब हम कारी चला रहे हैं, इतना सा तो गैप है, तो ये किचन नहीं तो अंदर बाहर जाती रहेगी. तो ये हमारा लॉक है, इसको बस बाहर खोलना पड़ता है और हमारा किचन बस बाहर आ जाता है. अगर मैं सच बोलूं, आउटडोर किचन इज द बेस्ट. कम से कम साफ करना पड़ता है, हम खोल लेते हैं, बस इसको पोंछना पड़ता है. और बस इतनी सी स्टोव है, तो इसको भी साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. इसमें हम ये वाली गैस रखते हैं, ये आउटडोर गैस है. मतलब इसको अंदर इस्तेमाल करने में रेकमेंड नहीं होता. मुझे गैस के बारे में उतना पता नहीं, तो
शायद से बता सकता है. Why can't you use this inside? तो ये वाले जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्यूटेन के हैं, प्रोपेन के नहीं. तो इसमें हम अपना स्पंज रखते हैं क्लीनिंग के लिए. और ऑस्ट्रेलिया में ढेर सारे बारबेक्यूज होते हैं. अगर हमें इस पे कुकिंग नहीं करनी, ढेर सारे बारबेक्यूज होते हैं, तो हम उसको बस साफ कर लेते हैं, उस पे कुकिंग कर लेते हैं. और अगर आप सोच रहे हो प्रिया जब बारिश होती है तब क्या करते हो, well, हमारे पास ये बना बनाया छत है, हमें ये धूप से भी बचाए रखता है. पर जब साइडवेज से बारिश आती है तो फिर हम बस बाहर खा लेते हैं. अगर बस थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश होती है कोई फर्क नहीं पड़ता. और जब बहुत अच्छी धूप होती है जैसे आज है, हम इस पे हमारे तौलिया सुखाते हैं. पर जब हम रश में होते हैं हम आगे सुखाते हैं. और अब मैं आपको हमारा पैंट्री दिखाती हूँ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा स्टोरेज है. ये रियल में टाइल्स नहीं है, ये बस चिप वॉलपेपर है, ये बस कॉन्टेक्ट पेपर है. तो हमारा बड़ा सारा पैंट्री इनसे खुलता है. इसमें हमारा सारा का सारा किचन का सामान आता है. मतलब मुझे कभी भी कमी नहीं लगती कि काश ये होता या वो होता. सिर्फ एक चीज, अगर ओवन होता वो बहुत अच्छा होता. कुकर, जब हम पास्ता बनाते हैं ये स्ट्रेनर, कलैप्सिबल है दाल भात बनाने के लिए तो ये तो लगता है. एक छोटा सा पॉट, कप्स, और इस पॉट में हमारा 90% का खाना भी बन जाता है. इसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं, मतलब मसाले, तेल, ये तो सबसे अच्छा स्पाइस मिक्स है, इसके अलावा कुछ और की जरूरत नहीं है. टी बैग्स इसमें रख लिए, हींग हो गया, इसको प्लास्टिक में रखते हैं ताकि ज्यादा खुशबू नहीं आए. कार्डमम, बेसिकली हमारे सारे मसाले इसमें रहते हैं. इधर चॉपिंग बोर्ड भी आ जाते हैं, गार्बेज बैग्स, और इसमें सारी की सारी कटलरी. काफी अच्छा ऑर्गेनाइज करा हुआ है हमने. ये हमारा डबल स्टोरेज भी हो गया. हमारे पास सब कुछ है, यूं नहीं कह सकते कि कोई कमी है. जैसे चाय बनाने के लिए ये स्ट्रेनर है, चीज को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर, जब हम स्पेगेटी बनाते हैं ये है. और हाँ, ये दिखाना चाहती हूँ, जैसे इधर खाना बना रहे हैं, यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं या कुछ और प्रेप, तो बहुत अच्छा सा काउंटर स्पेस बन जाता है. इस वाले कबर्ड में हमारे टेबल्स, कुर्सियां हैं, जैसे कि ये खोल दिया, लो कुर्सी बन गई. और क्या चाहिए, घर है, बिस्तर है, कुर्सी है, और बस बीच का व्यू चाहिए, और क्या. और इस जहाँ हमारे स्पेयर चीजें जो हम रोज रोज नहीं यूज करते लेकिन जरूरत आती पड़ती है कभी कभी, सो डस्टपैन के लिए ये जरूरत पड़ती है. हमारे वैन में ज्यादा पावर नहीं होती, हमें अगर कैंप साइट पे हो तो इस एक्सटेंशन कोड को कनेक्ट करते हैं और हमारे वैन में पावर भी आ जाती है. और आप सब बताओ, सिद की हिंदी बहुत अच्छी है. वैसे तो सिद घर में मराठी बोलता है पर उसने हिंदी सीखी हिंदी पिक्चर देखने से. वैसे तो मैंने भी हिंदी पिक्चर देखने से ही हिंदी सीखी है, इसलिए हिंदी थोड़ी कमजोर है लेकिन मराठी ज्यादा कम्फर्टेबल है. Did you know everyone was saying your Hindi is better than mine? Really? पर मैं तो मराठी बोलता हूँ. माला मराठी इतना ही. और यहाँ हमारा छोटा सा फर्स्ट एड किट मेडिसिन बॉक्स है. यहाँ पे हमारे थोड़े बैंडेड्स, थोड़ी दवाइयाँ सब इसमें है. सो इफ यू नीड एनी मेडिसिंस ऑफ फर्स्ट एड, वी हैव समथिंग जस्ट इन केस. होपफुली वी डोंट नीड इट. और अब सिद्ध दिखाएगा आपको हमारे वैन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, हमारा सोलर पैनल का सामान. तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये सेक्शन जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेटअप है. तो हमारे पास एक सोलर पैनल है 110 वाट का और एक बैटरी है 160 एम्प की. तो ये सब यहाँ पे मिलता है, अंदर डाल दो, साइड पे करो. तो ये हमारी वैन की बैटरी है, सो जो वैन को स्टार्ट करती है. और इसके अंदर हमारी एक्सिलरी बैटरी है या लेजर बैटरी कहते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बैटरी सेटअप की इंफॉर्मेशन. तो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है हमारी बैटरी की वोल्टेज. नॉर्मल वोल्टेज क्या होती है? अराउंड 12-13 वोल्ट्स इज गुड. और जब क्लाउडी दिन होता है तब क्या होता है? क्लाउडी अगर हो तो सोलर पैनल ज्यादा चार्ज नहीं करते तो हमारी बैटरी थोड़ी डाउन होती है. लेकिन हमारे पास डीसी चार्जर भी है तो जब हम वैन चला रहे अल्टरनेटर से ये बैटरी भी चार्ज होती है तो हम थोड़ी लंबी ड्राइव पे जाते हैं. और हमारे वैन में एक इन्वर्टर भी है, इस बटन से ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है और इन्वर्टर से हम अपने 240 वोल्ट अप्लायंसेस चार्ज करते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप या छोटे ब्लेंडर अप्लायंसेस. बेसिकली हमारा लैपटॉप हम तब ही चार्ज करते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हैं, नहीं तो हमारे पास इतनी बैटरी नहीं होती. और
और थोड़ी पावर कम हो जाती है। चिंता होती है कि बैटरी अगर कम हो गई तो हमारा फ्रिज बंद हो जाएगा और हमारा खाने का सामान खराब हो जाएगा। तो अगर हम एक जगह रहते हैं 4 दिन के लिए, हमारा सोलर पैनल हमारे फ्रिज को उतना पावर नहीं दे पाता, तो फिर एक बहुत लाउड सी आवाज आती है इन्वर्टर की कि मेरा बैटरी पुश हो गई। और हाँ, हमारे पास ये भी एक छोटा सा फैन है। जब अंधेरा होता है एंड वी कुकिंग इन द डार्क, एक लाइट भी है एक्स्ट्रा जो बहुत बहुत ही पावरफुल है, यहाँ का स्विच है तो हम रात को भी कुकिंग कर सकते हैं। अब चलो मैं आप सबको हमारे सोलर पैनल सेटअप दिखाता हूँ। तो ये सब हमारे घर के रूफ पे है, ऊपर जाने के लिए बस यही तरीका मिलता है मुझे। मैं यहाँ से जाता हूँ, तो चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ ऊपर क्या है। अरे हाथ नहीं, फोन दे दो। तो यहाँ वैन के छत पर हमारा रूफ रैक है जहाँ थोड़े टूल्स और सामान रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो ये हमारा टूल बॉक्स है जो लॉक रहता है इस पे, और ये है हमारा सोलर पैनल। थोड़ा गंदा है, अभी साफ करने की जरूरत है। ये 110 वाट का सोलर पैनल है जो हमारा फ्रिज चालू रखता है। और दोस्तों, आई होप आपको हमारी वैन टूर और घर की वीडियो अच्छी लगी। और आपके अगर कोई सवाल है तो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और अगले हफ्ते की वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने की। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले हफ्ते मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। आप सबके सवालों के जवाब देने को आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है।